अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, अम्मा बहन पे बटा रहा हूँ मैं। हाँ बाकी अच्छा मैं दिखाऊं कितना सामान है, दिखाऊं मैं दिखाने पे आया ना, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल गाइस। आज मैं आ गया हूं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर सेवा वाली बॉल मोबाइल। तो आज काफी मजा आने वाला है, आज की वीडियो में पूरा देखना, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया मजेदार सा घर। और उसके अलावा चेक कर सकते हो मैंने कितना ज्यादा मतलब आपको चेंज कर दिया हाइट का, आर्मर और टैंक का, मतलब काफी कुछ खोल लिया, काफी अपग्रेड कर लिया अपने आपको। और एक और चीज़ दिखाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कोई वीडियो बनाने का नहीं था, कुछ और बनाने का था, लेकिन मेरे को कमेंट करके बोला बंदे ने, आर क्या नाम था, स्टेटस लवर कुछ करता है, स्टेटस लवर करके कुछ बंदे का नाम था, उससे बोलता आर की वीडियो बना। तो मतलब बट डन हो गया यार, बट डन ही ओड़े, ये हगता है सर, पता नहीं क्या खत, मतलब पता नहीं कुछ हो ही जाता है। लास्ट टाइम मैंने ऑफ कैमरा तो इसको तो मैंने वीडियो में मतलब टेम करा था, इसके पास तो बहुत कुछ है, मतलब मैं इससे मतलब काफ़ी बंदे उड़ाता रहता है, इसके मैंने थ्री डायनोसॉर इससे मरवाया है, रैप्टर को इसके ऊपर बैठ के मारा। इसके अलावा मैंने ये टेम किया 132 लेवल का कार्बोनी मीस, इसका सैडल भी है, इसके सैडल बनाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें पिंचात लगी थी यार, बहुत मुश्किल था इसका सैडल बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें लगी थी। बाकी ये बस मैंने ऐसे ही रखा हुआ है शो के लिए, मतलब थोड़ा बड़े लेवल का है, 150 लेवल का इसलिए टेम करा हुआ है। बाकी मैं एक पैरासोरस ढूंढ रहा था लंबे बड़े लेवल का, 170 लेवल का, लेकिन मिल ही नहीं रहा, इसलिए अभी तक उसको टेम दिया, उसको भी टेम करने का था। इसके अलावा यार आर की वीडियो इसी वजह से बना रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मेरे को बताना कौन सी होनी चाहिए, और आज की आर की वीडियो को बताना कैसी लग रही है। तो मैं जल्दी जल्दी काफ़ी सारी वुडन की चीज़ें खोल लेता हूँ, क्योंकि अभी हमको बनाना है वुडन हाउस बहुत ही बड़ा और तगड़ा। तो ये मेरे टोटल 5000 वुड है, मेरे को नहीं पता है कम पड़ती है ज़्यादा हो जाती है, अगर कम पड़ेगी तो हमको वीडियो को रोक के मतलब काफ़ी सारी वुड फार्म करके आनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है कम पड़ेगी, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, देखो क्या होता है वीडियो के एंड तक। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ फाउंडेशन, काफ़ी सारी जितनी मेरे को बनानी कुछ 5 अभी बना लेता हूँ, अरे वुड खत्म हो गया, अरे 5 क्या बनाई थी और 5 वुड 5 बनाई सिर्फ मैंने फाउंडेशन, और वुड खत्म होना शुरू हो गई यार, वुड बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरे को लग रहा है 5000 वुड कुछ भी नहीं है जितना बड़ा मैंने घर सोचा, सही बता रहा हूँ। तो अभी थोड़ी सी और वुड लेते हैं और एक और बना लेता हूँ जल्दी जल्दी फाउंडेशन, 4, 5, 6 मतलब 5 बना लिया ना, 4 और बना लेता हूँ, टोटल 9 बना लेता हूँ, और उसके बाद जाके फिर मैं सोचता हूँ मेरे को घर किस तरह का बनाना है, मैंने सब सोचना पड़ेगा। जब एक बार पूरा सोच लूँगा ना किस तरह का मेरे को फाउंडेशन, मतलब एक बार फाउंडेशन सारी लगा दूंगा ना, उसके बाद घर बनाना इजी है। लास्ट टाइम मेरे को आपको याद होगा मैंने सोचा था ये घर को तोड़ देंगे, लेकिन अभी इस घर को नहीं तोड़ना, क्योंकि यार ये घर अभी मेरे को हर बार मैं जज्बात में कुछ ना कुछ कर देता हूँ घर को अच्छा लुक देने के, लेकिन फिर बाद में अफसोस होता है मैंने क्यों करा। तो पहले मैं पूरा घर बना लूँगा, अगर फिर ही बुरा लग रहा होगा तो हटा देंगे, अगर मेरे काम में आ रहा होगा तो उसको बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, सही है। तो मैं घर बनाना स्टार्ट करता हूँ, पहले यहाँ पर लगा लेते हैं फाउंडेशन, एक यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसके अलावा साथ ही बनाऊंगा अगर मेरे काम आया तो, काम पूरे तरीके से है ना, बाकी यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी लगा लेता हूँ। और मेरे को कमेंट में बता देना छोटा वाला घर तोड़ दें, मतलब वीडियो को पूरा देखना एंड में, अगर बुरा लग रहा हो तो मेरे को बताना। सबसे पहले मैं बेस को कंप्लीट कर लेता हूँ, सबसे पहले ये काम करूँगा, जैसे ही मैं ये बेस अपनी कंप्लीट कर लूँगा ना ज़मीन के, तो मेरे को एक आइडिया हो जाएगा मेरे को घर किस वे में बनाना है। तो जल्दी जल्दी मैं काफ़ी सारी फाउंडेशन बनाता हूँ और लगा लेता हूँ। तो एक काम होता है अभी 3x4 बना हुआ, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर लगाता हूँ, नहीं 4x4 था और आगे की तरफ लगाता हूँ वुड मतलब फाउंडेशन, ताकि 4x4 का घर हो जाए, अभी तो 3x4 है ना, तो अभी आगे एक लगा देता हूँ ताकि यहाँ से 4x बिल्कुल यहाँ पर अब बोझ गया पूरा 4x4 का, लेकिन मेरे को 5x5 का बनाना था, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है मेरे को यार। एक काम करता हूँ, मैं लास्ट फाउंडेशन रखी हुई है तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लगा देता हूँ, ताकि इस तरह थोड़ा 5 इस तरह हो जाए और 4 उस तरह हो जाए, 5x4 का घर बनाते हैं। चौड़ाई में थोड़ा सही होना चाहिए, लंबाई में मसला नहीं है। तो इस तरह की टोटल हमारी बिल्कुल हमारी बेस रेडी हो चुकी है नीचे की, तो इतना बड़ा हमारा कुछ घर बनेगा। मैं वॉल बना के ले आया हूँ टोटल 8, तो 8 वॉल मैं इसलिए बना के लाया हूँ कम, क्योंकि मेरे को अभी एक और चीज़ लगानी है, तो हम वुडन वॉल लगाएंगे, उसके बाद वुडन विंडो फ्रेम मतलब एक खिड़की होती है उसकी फ्रेम लगाएंगे, फिर उस पर विंडो डोर लगाएंगे, मतलब एक खिड़की की साइड भी बनाएंगे हम लोग, ताकि बाहर से हमको घर के बाहर से कोई इंपॉर्टेंट काम होता है वो भी मतलब घर के बाहर से अंजाम दे सकें, समझ रहे हो बात को, दिमाग को थोड़ा फ्यूचर में चला रहा हूँ मैं अपने। तो वॉल्स मैंने लगा दिए, वॉल्स बोल रहा हूँ, वॉल्स आइसक्रीम वॉल मैंने लगा दिए सारी की सारी। तो अब बाकी जल्दी से जल्दी मैं एक काम करता हूँ, वुडन विंडो फ्रेम भी बना लेता हूँ और काफ़ी सारी वुडन विंडोज़ भी बना लेता हूँ। मैंने विंडो फ्रेम तो बना लिया, मतलब बस थोड़ी सी यहाँ पर मैंने काफ़ी वॉल भी बना लिए, विंडो फ्रेम भी बना लिए। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी विंडो फ्रेम लगा दूँ, जिधर जिधर लगानी थी एक इधर लगानी थी, दूसरी मेरे को इसी बाजू इधर लगानी है, तीसरी मेरे को इसके पीछे बिल्कुल जस्ट इधर लगानी है, और चौथी लास्ट यहाँ लगानी। टोटल 4 विंडो फ्रेम लगा रहा हूँ और 4 जल्दी से जल्दी विंडो डोर बना के ले आता हूँ। पहला यहाँ लगेगा डोर कुछ इस तरीके का, जैसे अगर मेरे को बिल्कुल लगता है वॉल की तरह, लेकिन अगर कभी भी काम हुआ तो मैं आराम से इसको डोर को खोल के काम कर सकता हूँ, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। बाकी विंडो डोर फ्रेम लगा लेता हूँ एक मैं, और जल्दी जल्दी मैं लगा लेता हूँ विंडो डोर। हमारी मतलब एक पूरी पहली मंजिल टाइप तैयार हो चुकी है, हमारी बेसिक चीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जिससे आपको आइडिया हो गया हमको हमारा घर कैसा बनाना है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने लगाई ये विंडो वॉल्स, ये बहुत छोटी लग रही, तो हम इसको करना 2 फ्लोर का, मतलब ऊपर और विंडो वॉल लगानी, ताकि थोड़ा लंबा हो जाए
और मतलब जो लंबी लंबी चीज है वो भी आराम से यहाँ पर प्लेस हो सके। बाकी हमारा 2 वॉल का खर्चा पीछे बची, हमारा जो पीछे घर बना हुआ था उसमें। बाकी इस तरह की 2 2 वॉल ऊपर, मतलब इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दूंगा घर की, ताकि घर दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे और कोई लंबी लंबी चीज़ प्लेस करनी तो आ जाए। बाकी ये देखो यहाँ पर नीचे की तरफ 2 वॉल की हमारी मतलब वुड बच गई थी, टोटल 60 या 120 वुड बच गई हमारी नीचे की, पीछे जो घर बना हुआ है उसी ने मतलब कवर कर ली। तो बेहतरीन लग रहा है हमारा घर। बाकी इसके ऊपर हमारी पास वॉल ख़त्म हो गई थी तो इसलिए बच गया। बाकी यार पीछे से घर दिया यार, मेरे को तो घर का लुक अच्छा लग रहा है, मेरे को बुरा नहीं लग रहा। सही बताओ ना, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है यार। एक स्टोरेज रूम टाइप बना हुआ है, लेकिन हमने इसको बेडरूम बनाया हुआ है, बेडरूम स्टोरेज रूम अगर बोलोगे तो वो बना देंगे, अगर बोलोगे तो बेडरूम बना देंगे यार। बाकी मैं जल्दी जल्दी सारी वॉल्स बना लेता हूँ, जितनी भी हमको वॉल्स बनानी है जल्दी जल्दी फटाफट सारी वॉल्स बना लेता हूँ। काफ़ी सारी वॉल्स तो बना ली, काफ़ी सारी सीलिंग्स भी बना लेता हूँ। सीलिंग्स क्यों, आप लोग हैरान नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि छत तो कवर करेंगे लेकिन हम छत कवर करने के लिए नहीं बना रहे। अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ हम लोग सीलिंग्स क्यों बना रहे। तो काफ़ी सारी मतलब रूफ़ बना लेता हूँ मैं घर के लिए सीलिंग्स, उसके बाद मैं घर पे चल के आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो ऊपर है, यहाँ पर हम सीलिंग लगाएंगे और इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाएंगे, मतलब 2 फ्लोर का हमारा घर होगा। नीचे फ्लोर जो होगा पूरा स्टोरेज रूम होगा, और जो ऊपर फ्लोर होगा वो एक खतरनाक चीज़ होगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में या वीडियो के आगे बता दूंगा। बाकी पहले पे हम लोग फ्लोर तैयार मतलब सीलिंग्स लगा दें, ताकि हमारा पहला फ्लोर तो बिल्कुल रेडी हो जाए, फिर दूसरे फ्लोर पर हम थोड़ा काम करेंगे। बाकी मैंने सारी की सारी मतलब सीलिंग्स लगा दी, बस कुछ रह गई हैं। फाइनली टोटल हमारा घर रेडी टू गो हो चुका है, हम लोगों ने सारी सीलिंग्स लगा दी, बस एक जगह छोड़ दी। वो क्यों, क्योंकि यार हम लोग जो दूसरा फ्लोर बना रहे हैं उस पर ऊपर जाने की जगह, बस मैं स्टेयर्स ढूंढ रहा हूँ वजन की, कौन सी स्टेयर्स लगेंगी यार उधर, स्टेयर्स मेरे को समझ नहीं आ रही। पहले मैं चेक कर लूँ हमारे पास पॉइंट्स कितने और कौन सी स्टेयर्स लगाने चाहिए। बाकी मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, यहाँ पर गए हम लोग पॉइंट्स में और वुडन की स्टेयर्स, वुडन स्टेयर्स किधर है मेरा बच्चा, वुडन स्टेयर्स वुडन वुडन अरे किधर है, ये रही यार वुडन स्टेयर्स 10 पॉइंट की, हमारे पास पॉइंट्स काफ़ी कम है। कोई लेडर वेडर नहीं है सस्ती हो यार थोड़ी सी, अरे है रूप लेडर, ये देखो 5 की, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स की, चलो ये देख लेते हैं। अरे ये सस्ती भी है यार, ये सस्ती है, टोटल सिर्फ 15 वुड की है, बहुत सस्ती है। चलो ये वुडन जो स्टेयर होती है वो महंगी भी होती है। तो अरे मैंने एक ही लेडर बनाई थी, मेरे को लग रहा था एक लेडर ही से मतलब पूरी कवर हो जाएगी, दूसरी लेडर बना के लाता, दोनों लेडर बना के मैंने लगा दिए। अब मैं चढ़ता हूँ ऊपर, अरे चढ़ेंगे कैसे, अरे चढ़ेंगे कैसे, छलांग मार के मैं चढ़े, अरे अच्छा, ये ऑप्शन आ रहा है ऊपर, देखो बैग के साथ ही ऑप्शन आ रहा है सीढ़ियों का, मैंने बाद में देखा। फाइनली हमारा दूसरा फ्लोर भी मतलब बनना तो नहीं, अभी बनेगा। बाकी हम लोग दूसरे फ्लोर पर आ चुके हैं। बाकी अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है, साइडों को बस वॉल से कवर करना है, मतलब जितनी भी साइडें हैं इन सबको सिर्फ और सिर्फ वॉल से कवर करना है, फिर हमारा घर रेडी टू गो हो जाएगा, भागने के लिए रेडी हो जाएगा। बाकी यार आप मुझे बताना मेरे घर कैसा लग रहा है, मतलब देखो अभी तक तबीयत डाउन है मेरी, समझ रहे हो। बाकी बताना मेरा घर कैसा लग रहा है, मतलब कैसा लग रहा है, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, मतलब कुछ ज्यादा मैंने कोई खास वास तो नहीं बनाया, कोई मॉडर्न हाउसेस में नहीं बनाया मैंने, मेरे को कोई इतना आइडिया नहीं है, पर नॉर्मल एक अच्छा सुथरा साफ सुथरा अच्छा बड़ा घर बनाया। मेरे को बताना घर कैसा लग रहा है, मेरे को बताना। बाकी मैंने आप सोचोगे ये जगह क्यों छोड़ी, ये जगह मैंने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट्स के लिए छोड़ी, हमारा नीचे एक समझ लो ना छोटा सा घर बना हुआ है, अब कुछ हुआ तो वहाँ कूद जाएंगे, मतलब बस ऐसे ही मेरा दिमाग कुछ भी चल रहा है तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, समझ रहे, बस जो दिल कर रहा है। बाकी सबसे बड़ी अलमारी मैंने बना दी, जो सबके घरों में होती, मेरे घर में नहीं थी, मेरे घर में मिसिंग थी तो मैंने बना दी। अब आप लोग बोलोगे इस अलमारी का करेगा क्या, तेरे पास तो सामान ही नहीं है। मैं सामान दिखाऊंगा ना, मैं दिखाने पे आया ना, मैं आया ना दिखाने पे, अम्मा बहन पे आ जाऊँगा मैं, अम्मा बहन पे बटा रहा हूँ मैं। हाँ बाकी अच्छा मैं दिखाऊँ कितना सामान है, दिखाऊँ मैं दिखाने पे आया ना, ये देखो देख लिया, मिल गई, कलेजे को ठंडक पड़ गई, पै गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक देख के। बाकी अच्छा हुआ अभी थोड़ा सा काम की तरफ बढ़ते हैं, मसीमदार को छोड़ के। बाकी जल्दी जल्दी मैं स्टैंडिंग टॉर्च बना लूँ, क्योंकि अभी अपने घर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, इंक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज करना है। मेरे को बना लिया 10 की 10 फाउंडेशन, थैच फाउंडेशन, क्योंकि हम अपने घर के जो हमारे बॉट मतलब हमने पूरी घर रेडी कर लिया, लेकिन जो घर के बाहर है हमको इस तरह हमको यहाँ पर लगानी फाउंडेशन। अरे फाउंडेशन को क्या हो गया, फाउंडेशन तो ज़मीन से लग के लगती, ये फाउंडेशन अजीब सी क्यों हो गया, लकवा मार गया क्या फाउंडेशन को। अरे देखो मेरी भी देखो, मैंने फाउंडेशन समझिए सीलिंग बना ली, 10 पैसा बर्बाद हो गया यार, अलग मैंने क्या काम करता हूँ कसम से यार, मेरे को 10 फाउंडेशन बना दी, 10 सीलिंग सीलिंग बना दी, थैच का मसला नहीं, थैच जाया हो लेकिन वुड जाया हुआ है काफ़ी सारा। चलो अभी एक तो यहाँ लगा था, मैंने 10 सीलिंग बना दी थी, मैं भी गधा हो गया हूँ, जल्दी जल्दी 10 फाउंडेशन बना ली मैंने, मैं यहाँ पर टोटली आगे लगा देता हूँ सारी। अब मैं जल्दी जल्दी काम करता हूँ, पूरा अगर फुल रेडी करता हूँ, फिर आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ इंटरव्यू घर बनाने के बाद। चलो धुड़ुम धुम हो गया हमारा घर रेडी, धुड़ुम धुड़ुम करने से जादू करता हूँ ना बस मैं। तो तुम्हारे भाई ने घर रेडी कर लिया, उसके बाद ये स्टैंडिंग टॉर्च है, आप बोलोगे तुमने बनाई, मैंने बनाई नहीं, मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं दिखाऊंगा कहाँ से पड़ी थी, मैं बाद में दिखाता हूँ।
बाकी अभी मैं जब सारी में टैच लगा था ना, टैच की फ्लोरिंग कर रहा था, मेरे घर के अंदर भी एक गलती से टैच लग गया था, मतलब फ्लोर लग गया था, मेरे को लग रहा था कोई गिर चुका था, मैंने तोड़ दिया, तो मेरा वुडन का फ्लोर भी टूट गया था, मैंने दोबारा वुड जाया करके एक और वुडन का फ्लोर लगा के यहाँ पर वुडन का फ्लोर लगाया। तो यार मतलब अजीब सा ही सीन हो रहा है, कभी कुछ बना रहा है तो कुछ बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा है, कुछ ही कुछ कुछ ही हो रहा है आज के, तो मतलब अजीब सा ही दिन हो रहा है। बाकी मैंने यहाँ तक पूरी की पूरी फ्लोरिंग कर दी अटैच की, तो अब मेरा घर थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। ये देखो इस तरह का कुछ है, हमारी विंडो डोरिंग खुलेगी, मतलब इस तरह का, मतलब मेरा जिस तरह का दिमाग अच्छा चल रहा था, मैंने तुम्हारे भाई ने अच्छे दिमाग से बना दिया। बाकी आओ अभी अपना असली सामान तुमको दिखाता हूँ, मैं कब से बोल रहा हूँ ना सामान दिखाता हूँ, सामान दिखाता हूँ बस क्या क्या है स्टोरेज बॉक्स में। सबसे पहले ये देखो तबीयत डाउन है, बाकी देखो ट्रैंक एरो और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप बोलोगे ये जो चीज़ें कहाँ से हैं, ये तो चीज़ें बस मेरे को मिलती रहती है रोज़। और बाकी देखो थ्री डायनासोर इतने सारे हमारे उसकी चीज़ें हैं, मेटल की चीज़ें हैं, बस काफ़ी सारी कुछ है, मतलब काफ़ी सामान बहुत कुछ है मेरे पास। इसके अलावा मेरे को जो स्मूथिंग बाम वगैरह भी, इसके अलावा जो मेरे को वो मिला था अपना अपना अल्लाह भला करे, ये जो कुछ था कुछ सीमेंटिंग वेमेंटिंग का था, ये मेरे को मिला था जायंट बीवर डैम से। और मैं ये दिखाऊँ तो भूल गया, अपनी इचती इचती है ये, अपनी इचती इचीटोसॉरस हमने ट्रेन की थी, हमको एक इनग्राम कंप्लीट करना था, उसके बाद से इसका सैडल भी हमको फ्री में मिल गया था, लेकिन मैंने इसको पहनाना छोड़ दिया, मेरे को लग रहा था कोई इसको मार देगा तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाकी एक वाना डॉन, इसको मेरे को टेम करना 50 लेवल का, अच्छा खासा लेवल है, हेल्थ भी ज़्यादा है, लेकिन मेरे को नहीं पता टेम कैसे होता है। बाकी एक फ्यूमिया का भी शायद सैडल है, लेकिन ये भी मेरे को नहीं पता कैसे टेम, मतलब मैं इनके अंदर उंगलियाँ नहीं करना चाह रहा अभी, समझ रहे हो। बाकी मेरे पास क्या था, हाँ तो मैंने जायंट बीवर डैम से काफ़ी सारी वुड मैंने ली है। जायंट बीवर डैम किधर है वो अगर जान रहे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बाकी मैंने केव एक्सप्लोर किए, उसके एक हमारे पास खुला है आर्टिफैक्ट ऑफ द हंटर कुछ है, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हमको नेक्स्ट वीडियो में कवर करनी, जो आज करनी थी, लेकिन आज फाइनली हमारा घर रेडी हो गया, जो तीन वीडियो पहले से घर रेडी होना था आज हो चुका है। अब हम नई नई चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कवर करेंगे, सही है। तो बस यार आज के लिए इतना, अगर आप लोग आज की वीडियो थोड़ी सी भी हल्की सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी चुननी सी भी, तो वीडियो को लाइक करना नहीं बोलना, क्योंकि यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मैंने कितनी बार नोट किया। और चैनल में 90% लोग ऐसे हैं जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार प्लीज़ लाल को ग्रे कर दो, कुछ नहीं होगा, मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जल्दी कर दो। तो बस यार आज के लिए टाइम मिलने की थी अपनी किसी अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।